स्टूडेंट्स, आज हम प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले टॉपिक में हम एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है उनके डिफरेंस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी का काम क्या है, एंटीबॉडी का काम है हमें इम्यूनिटी प्रदान करना। तो इम्यूनिटी प्रदान करने के कारण हमें इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं और इन्हें IG वेरिएबल भी, वेरिएबल मतलब ऊपर की तरफ जो एमिनो एसिड होते हैं
बदलते रहते हैं, उनका सीक्वेंस चेंज होता रहता है, लेकिन नीचे जो अमीनो एसिड होते हैं फिक्स होते हैं, उनका सीक्वेंस चेंज नहीं होता है। तो ये हमारी बात रही आज एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में।